नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। हम बात कर रहे हैं राशिफल 2019 की और हमारे प्रोग्राम खेल ग्राउंड में आपका स्वागत अभिनंदन। 2019 के राशिफल में आज बारी है मीन राशि की। राशिफल की श्रृंखला में सबसे अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है, जो कि इस वर्ष लगभग पूरे वर्ष आपकी भाग्य स्थान में रहेगा और भाग्य स्थान में रहने से वो आपकी राशि को देखेगा, पराक्रम स्थान को देखेगा और संतान और विद्या स्थान को देखेगा। तो बृहस्पति के दृष्टिपात करने से आपके हर मामले में, हर क्षेत्र में सफलता मिलने की योग है। आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मीन राशि के जातक जो कि बिजनेस कर रहे हैं, तो इस वर्ष 2019 में आपको जरूर से ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग हैं। यदि कोई बिजनेस एक्सपांशन आपने सोचा हुआ है, यदि बिजनेस एक्सपांशन के बारे में आप कोई विचार कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आने वाला समय 2020 से 2023 जनवरी तक इससे भी अच्छा रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेड गेन का योग आपकी लाइफ में जस्ट दरवाजे पर आने वाला ही है। एक साल और दो महीने के बाद में एग्जैक्ट डेट है 24 जनवरी 2020। उस दिन शनि आपकी कुंडली से, आपकी राशि की कुंडली से 11th हाउस में आ जाएगा और शनि अपनी खुद की राशि में आकर के जो प्रतिफल आपको देगा, जो गेन आपको देगा, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स में वृद्धि करेगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट में गेन देगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। अर्थात जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं हैं। इस वर्ष 2019 में आप अपने आप को भाग्यशाली समझें और लोग भी आपको भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि भाग्यवशात आपको जरूर से ज़्यादा इनकम, जरूर से ज़्यादा यश, जरूर से ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलेगी। जो मीन राशि के जातक राजनीति में हैं 2019 में, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। उनके राजनीतिक कैरियर में कई कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं, अर्थात वो अनएक्सपेक्टेड गेन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त कर सकते हैं और जो वो सोचेंगे वो लाभ का पद, वो बहुत बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष संपत्ति के मामले में, निवेश के मामले में, बैंक बैलेंस के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में वृद्धि होने वाली है, उसमें भारी बदलाव होने वाला है। अर्थात आप जो फालतू इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको भी इनकैश करके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ में कुछ मतभेद के साथ में सहयोग मिलता रहेगा, उनको मान मनोबल आपको करनी होगी, अर्थात उनको बार बार मनाना पड़ेगा। माता की ओर से आपको चिंता रहेगी स्वास्थ्य के प्रति भी, उनके स्वभाव के संबंधित भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहूँगा कि घर का वातावरण अच्छा रहेगा, आपको घर वालों से, कुटुंबियों से सहयोग मिलता रहेगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको बहुत अच्छा है, अर्थात ये जो प्लान करने वाले हैं घर में सुख सुविधाओं के लिए, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो, चाहे वो एनवायरनमेंट बदलने के लिए हो, चाहे वो सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो इंटीरियर के लिए हो, साज सज्जा के लिए हो, ये सब चीज़ में आप बदलाव करने पर आमादा है और ये सही समय है। इनकम आपकी जितनी बढ़ेगी तो खर्च भी आपका उतना ही बढ़ेगा, और खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं फालतू कामों में लग जाएगा, लेकिन खर्च जरूर होगा। इससे सोच समझ के प्लान कीजिए और उसको खर्च कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस वर्ष बहुत भारी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से शिक्षा भाव को देखता है, संतान भाव को देखता है। तो यदि आपकी संतान मीन राशि की है तब भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिफल मिलेगा, और आप खुद विद्यार्थी हैं तब भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। संतान से आपको सुख मिलने के योग हैं और संतान का सुख भी आपको मिलेगा। अतः जो व्यक्ति संतान की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको संतान प्राप्ति के योग हैं। और जिन व्यक्तियों को संतान नहीं हो रही है और वो कोई मेडिकल माध्यम से, IVF के माध्यम से संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सही समय है ट्रीटमेंट के लिए, उस चीज़ की प्रोसेस के लिए। हेल्थ में आपको इस बार मौसमी बीमारियां, अर्थात इस वर्ष 2019 में मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। आपको लंग से रिलेटेड, एंटेस्टाइन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेगी, उस ओर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो ये कुंडली है, अपन कुंडली देख करके बात कर रहे हैं, ये कुंडली एक मैंने बनाई हुई है, कौन सी राशि या कौन सा ग्रह किस भाव को देखता है उसी आधार पर मैं आपको ये बतला रहा हूँ। तो इस वर्ष हेल्थ को लेकर के और एनिमीज़ को लेकर के, या जो आपके प्रतिद्वंदी हैं
उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो प्रतियोगी परीक्षा देना चाहता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और स्पेशली जो बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग है यदि वो मीन राशि के जातक है। सेवंथ हाउस होता है स्त्री का अथवा जीवन साथी का, सेवंथ हाउस होता है भोग सुख का, सेवंथ हाउस होता है साझेदारी का, सेवंथ हाउस होता है मिलजुल करके जो काम करते हैं उसका। इस वर्ष उसमें बहुत जोशो खरोश के साथ सफलता मिलेगी, पत्नी से भी सुख मिलेगा, जीवन साथी से भी सुख मिलेगा। और इससे आगे की बात करें तो एट्थ हाउस का मतलब है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। तो इस वर्ष ऐसी कोई प्रॉब्लम का आभास नहीं है, फिर भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये एक सिद्धांत है जो हम सुनते भी हैं। तो सावधानी रखने से कई फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। इससे सावधान रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए उससे पहले अगर आपने सब हिसाब किताब सही रखा है, सारे टैक्स के डॉक्यूमेंट, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत सही है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं खड़ी होने वाली है। धर्म, भाग्य और यात्राएं, इस वर्ष विदेश यात्राएं भी होंगी, और जो पर्संस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यवसायी बंधु ये काम करते हैं, उनको विदेश यात्रा के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे, एक्सपांशन का उनको रास्ता मिलेगा, एक्सपेंशन का सुख मिलेगा। तो साथ ही साथ विशेष रूप से आप फॉरेन में अपना ऑफिस, अपना केंद्र स्थापित कर सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड हैं, जो पेंटर्स हैं, जो कला के क्षेत्र में हैं, या जो क्रिएटिव आर्ट से रिलेटेड हैं, वो व्यक्ति जातक इस वर्ष बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाएंगे, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन उनको मिलने वाला है। अब बात करते हैं वर्किंग एनवायरमेंट की। जो भी कामकाज का क्षेत्र है, इस वर्ष शनि आपकी जन्म राशि की कुंडली में 10th हाउस में है। शनि जहाँ पर रहेगा वहाँ पर राजनीति हुए बिना नहीं रहेगी, अर्थात ऑफिशियल राजनीति, चाहे वो अपने सबनेट्स हों, चाहे वो उच्च अधिकारी हों, आपके खिलाफ कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। आपको उनका आभास समय से पूर्व हो जाएगा, आपके बच निकलने के लिए रास्ते मिलेंगे, तो भी आपको जरूरत से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और एक बात और है, विश्वास कीजिए लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए, गुड फेथ में आकर के साइन मत करिएगा, या सिर्फ 3-4 दिन की जब आप छुट्टी ले लें वापस आके बोले पीछे किसी ने किया आप साइन कर दीजिए, उस और आप विशेष सावधान रहिएगा, क्योंकि यही चीज़ें फंसने की होती है, प्रॉब्लम कोई और क्रिएट करेगा, मोरा आपको बनाया जाएगा, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इनकम, जैसा कि मैं सबसे पहले ही बोलता आया हूँ इस एपिसोड की स्टार्टिंग में, मैंने बोला कि इस वर्ष आपको भाग्यशाली समझा जाएगा, आप जो सोचेंगे उससे ज़्यादा बेटर गेन, ज़्यादा बेटर एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। एक कहावत है या एक शब्द है, लबालब, इस वर्ष आपकी जो झोली है वो लबालब भरी रहेगी गेन से, लाभ से, यश से, एप्रिसिएशन से, सम्मान से, इसलिए आपको एफर्ट, आपको अपना परिश्रम निरंतर करते रहना है, और जब भाग्य आपको साथ देता है तो आपका परिश्रम सार्थक हो जाता है, आपको गेन मिलने के रास्ते खुल जाते हैं, और आप वास्तव में इसके भागीदार हैं, आप वास्तव में इसके योग्य हैं, इसलिए ये सफलता आपको मिल रही है। खर्च, अपमान, अपयश, एक्सीडेंट, इन सब की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि अपने खुद की राशि पर है, इसलिए ऐसी कोई संभावना से हम बोल नहीं सकते, या ये बोल सकते हैं ऐसी कोई संभावना है नहीं, इसे पूर्णतया इनकार ही किया जाएगा। लेकिन फिर भी छोटे बड़े एक्सीडेंट से इनकार नहीं किया जा सकता, और जो व्यक्ति लिकर लेते हैं, जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, उनको इस वर्ष बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो यही चीज़ आपके लीवर को प्रॉब्लम करेगी। आपका यह वर्ष अनेक उपलब्धियों भरा हो, सफल हो, आप जो भी परिश्रम करें उसमें सफलता पाएं, और इस देश के निर्माण में अपना सहयोग दें, इस राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, अपने परिवार के निर्माण में, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यही इकाई इसी ढंग से जुड़ती है, परिवार, परिवार के बाद समाज, और समाज के बाद में देश, इसी ढंग से चलता रहता है। आपका सिर्फ अपना प्रयास इस देश को बड़ा बनाने में, योग्य बनाने में मददगार हो सकता है, आप प्रयास जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए, और आपको नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, इसी के साथ में नमस्कार।